हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में डिस्कस करते हैं एलगार ग्रुप के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एलगन। हालांकि हम लोग इसके पहले अनब्रांच एलगन की भी चर्चा किए हुए थे। चलिए डालिए गए हेडिंग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एलगन। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एलगन, ठीक है। चलिए तो आपको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब नोमेनक्लेचर वहाँ पे शुरू किए थे तो कि किसी भी कंपाउंड का जो नेम होता है वह दो तरह से लिखा जाता है, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। कॉमन नाम के लिए कोई मेथड नहीं होता है, वह नॉन मेथडलॉजिकल होता है, और IUPAC जो होता है वह मेथडलॉजिकल होता है। तो कॉमन नेम जो होता है वह फोर कैटेगरी पे बेस्ड होता है, प्रॉपर्टीज, सोर्स, स्ट्रक्चर और डिस्कवर। इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में या उसके पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग ऑन ब्रांच एलगन का भी IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस किए थे, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्रांच्ड एलगन का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, IUPAC लिखने के लिए कुछ रूल की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ नियम है जिसको हमको जानना होगा। उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑटोमेटिक किसी भी कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे। चलिए तो रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल है, ध्यान से समझना हर चीज को, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इट इज ट्रीटेड एज बेस चेन या पेरेंट चेन। सबसे पहला काम को करना होगा कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होगा, फिर उसी को हम मानेंगे कि अपना बेस चेन या बोले तो पेरेंट चेन, एक ही बात है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम लोग नंबर टू में चलेंगे। इसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का कोई चेन हो, इसे कि CH3 हो, CH2 हो, CH है, CH3 है, ठीक है। और अच्छा से यदि हम इसको लिखना चाहें तो CH2 CH3 कर देते हैं, और क्या होगा इधर CH3। चल, आपको ढूंढना है इसमें कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो देखो कैसे हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करना शुरू करते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6। चूँकि देखो जैसे आप यहाँ से चलते हो तो 1 2 3, यहाँ से दो रास्ता, एक इधर जाओगे तो 4, इधर जाओगे तो 4 5 6। यदि आप यहाँ से काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4, इधर जाते हो तो 5, इधर जाते हो तो 6 और 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, नॉट 7। देखिए तो ओवरऑल आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन तो यही है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। और इसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हम क्या मानेंगे, बेस चेन। इसी को क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा हो CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढना है। देखो तो हमारे पास 1 2 3 4
हमारे पास 4 ऐसा प्लेस है जहाँ से हम काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। हम लोग काउंटिंग यहाँ से शुरू नहीं कि जहाँ नहीं 20 से कभी काउंटिंग नहीं होता है। मान लो हम आपको कहें कि आप यहाँ से कहीं और जाओ, तो 20 से नहीं जाओगे, यहीं जहाँ से जाओगे वहीं से शुरू करना पड़ेगा हमको। चलो कहानी वही, यहाँ भी वही, हम लोग कभी भी यहाँ से काउंटिंग नहीं कर सकते। हम लोग काउंटिंग या तो यहाँ से करेंगे, या तो यानी कि बोले तो टर्मिनल इंड से यहाँ से करेंगे, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। वैसे हम लोग टर्मिनल इंड से ही काउंटिंग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली काउंटिंग करना है वादे हम दो। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से 3 रास्ता, आगे जाइएगा तो 5 और 6, नीचे आएगा तो ओनली 5, और यदि आप सीधे जाते हो तो 5, 6, 7 और 8। तो ओवरऑल देखें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चैन तो यही है ना, इधर से भी काउंटिंग करके तो वही बात है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 7, कोई दिक्कत? चलिए तो यही हो गया आपका लॉन्गेस्ट चैन, और इसी लॉन्गेस्ट चैन को हम क्या मानेंगे, अपना बेस चैन या पैरेंट चैन, एक ही बात है। क्लियर? ये तो पहला रोल हो गया। दूसरा रोल देखते हैं क्या बोलता है, रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 कहता है, रोल नंबर 2 अच्छा इसको लिखो, रोल नंबर 2 रिस्ट ऑफ बेस चैन, रिस्ट ऑफ बेस चैन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट, डेट ग्रुप आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड सब्सिस्टेंट, विच आर कॉल्ड सब्सिस्टेंट। ठीक है, रेस्ट ऑफ बेस चैन, बेस चैन के अलावा जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम क्या मानेंगे, सब्सिस्टेंट। जैसे कि इसी वाले को हम लेते हैं यहीं पे, आपको एक एक करके चलना होगा। मान लो कि इस रूल 1 में 2 एग्जांपल नहीं है, बस आपको वहीं पे मेंशन कर फिर रूल 2 लिखकर फिर किसी एक और 2 एग्जांपल जो यहाँ पे लेंगे उसको लिखना पड़ेगा। आप एक ही में एक साथ लिख दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा चीज़। तो मान लीजिए कि हम लोग इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH है, फिर CH2 और CH3 है, और फिर यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है। क्लियर? सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चैन एंड इट्स इज ट्रीटेड एज बेस चैन, एंड इट इज ट्रीटेड एज बेस चैन। जरा सोचो, इसमें तो यही लॉन्गेस्ट चैन है ना, इसी को क्या मानना होगा, बेस चैन। पहला रूल तो यही कहता है। दूसरा रूल आपसे कहता है कि रेस्ट ऑफ बेस चैन डेड ग्रुप आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड सब्सिस्टेंट। देखो तो बेस चैन के अलावा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यही CH3 ही तो है, देखिए तो इसी CH3 को हम क्या मानेंगे, सब्सिस्टेंट। इसी CH3 को क्या मानते हैं हम लोग, सब्सिस्टेंट। क्लियर? सब्सिस्टेंट भी जस्ट लाइक ए ग्रुप ही है जो बेस चैन में, पेरेंट चैन में, लॉन्गेस्ट चैन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीज को। सब्सिस्टेंट बोले तो एक ग्रुप ही है जो पेरेंट चैन में भाग नहीं लेता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आप इसको पहले नोट कीजिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। चलिए, 2 यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है, इसमें अभी तक 2 रूल पड़े हैं, दोनों रूल को इसमें फॉलो कराना है। देखो पहला रूल बोलता क्या है, समझो ध्यान से, पहले एक बार वीडियो को पॉज करके अपने उसको पहले फॉलो कर लो फिर मिलाना, ठीक है। चलिए
चलिए मिलाइएगा, देखिए सबसे पहला रूल बोलता है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एंड इट्स ट्रीटेड एज बेस चेन, यही है ना। अब देखो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, काउंटिंग या तो यहाँ से शुरू होगी, काउंटिंग या तो यहाँ से शुरू होगी, काउंटिंग या तो यहाँ से शुरू, क्योंकि कभी भी टर्मिनल एंड से ही काउंटिंग शुरू होती है। कहोगे सर Cl, तो Cl क्या कार्बन है, बोलो कार्बन का टर्मिनल एंड होना चाहिए ना, तो ध्यान रखना है। तो काउंटिंग यहाँ पे तीन ऑप्शन है, देखते हैं किधर से जाने पे हमको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मिल रहा है। तो ढूंढो एक दो तीन, इधर तो कार्बन नहीं मिलेगा तो उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इधर से इधर आते हैं तो 5 6 तक मिलता है हमको, यदि हम सीधे जाते हैं तो 5 मिलता है। यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3, इधर जाते हैं तो 4, इधर जाते हैं तो 4 5 6, यानी कि ओवरऑल देखें तो आपका लॉन्गेस्ट चेन यही है। और इसी लॉन्गेस्ट चेन को आपको क्या मानना होगा, बेस चेन। कोई दिक्कत? अब चलिए दूसरा रूल बोलता है आपको, रूल नंबर 2, कि रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। देखो तो बेस चेन के अलावा यही ग्रुप है ना, जो कि यही बचा हुआ ना, एक CH3 है और यह क्या है Cl है, या दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, यह भी सब्स्टिट्यूएंट और यह भी क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? यहाँ आ जाइए, यहाँ भी वही काम करना है, लंबा चेन देखो लॉन्गेस्ट चेन यही है, इसी लॉन्गेस्ट चेन को क्या मान लेंगे हम लोग अपना बेस चेन। क्लियर? अब देखिए बेस चेन के अलावा यही बचाना, रूल नंबर 2 की रेस्ट ऑफ बेस चेन डेड ग्रुप पर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो बेस चेन के अलावा जो बचा वह क्या कहलाया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तेरा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का एग्जांपल। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3 के, यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 जो होता है वो कहता है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। ठीक है, रूल नंबर 3 बोलता है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। हमको काउंटिंग नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करनी है जिधर से जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नियरेस्ट हो, पास में हो, नज़दीक में हो। चलिए तो आइए इसके एग्जांपल की बात करते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3। सोचो ये तीसरा रूल है ना, पहले 1 2 फॉलो करो। देखो स्टेप वाइज स्टेप है, आप बीच में एक भी रूल को मिस करते हो तो आपका नामांकन जो आपका नोमेनक्लेचर है वो गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं होता, यदि आप कानून का उल्लंघन करते हो तो क्या मिलती है, सजा मिलती है। उसी प्रकार से यदि आप इस रूल को मिस्टेक करते हो, रूल का यदि आप उल्लंघन करते हो इस रूल का, तो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर जो लिखने वाले हो किसी कंपाउंड का वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो स्टेप बाई स्टेप काम करना है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, पहले रूल नंबर 1 फिर 2 तब 3। रूल नंबर 1 बोलता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, देखो तो 1 2 3 4 5 6 यही ना है ना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हम क्या मान रहे थे, बेस चेन। रूल नंबर 1 तो हमारे यही बोलता है, इसके अलावा जो बचा उसको हम क्या बोलते हैं, रूल नंबर 2 देखो
कि रेस्ट ऑफ बेस चैन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड सबसिक्वेंट, तो बेस चैन के अलावा यही ग्रुप ना प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सबसिक्वेंट। बोलो अब आओ बॉडी रोल नंबर थर्ड की, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर सबसिक्वेंट आर नियरेस्ट। तो सोचो, देखो हम जैसे बोले कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन, तो यहाँ पे मतलब कि टर्मिनल कार्बन, ठीक है, यहाँ पे लिख ही लो डेट टर्मिनल कार्बन, डेट टर्मिनल कार्बन, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो आप लोग बीच से ही शुरू कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा सारा चीज। टर्मिनल कार्बन, तो एक टर्मिनल कार्बन यह है और दूसरा यह है, तो सब्सिट्यूएंट का पार्ट हो गया ना। चलिए यदि हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, नंबरिंग शुरू करते हैं, तो 1, 2, 3 नंबर कार्बन पे सब्सिट्यूएंट अटैच है। यदि हम, चूँकि नियरेस्ट सब्सिट्यूएंट ढूंढना है ना हमको, यदि हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, नंबरिंग शुरू करते हैं, तो 1, 2, 3 और 4 नंबर पे सब्सिट्यूएंट है। बताओ नियरेस्ट किधर से, इधर से नियरेस्ट है या इधर से नियरेस्ट है? तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि 1, 2, 3 इधर से ही नियरेस्ट है, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपका तीसरा रूल है। एक एग्जांपल इसमें और करते हैं, आपको इसमें वही कम करना है। देखिए सबसे पहला कम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चाहे, तो 1, 2, 3, 4 लंबा तो ही जाएगा। रोल नंबर 2 बोलता है कि रेस्ट ऑफ बेस चैन, इसी लॉन्गेस्ट चैन को हम क्या मानेंगे, अपना बेस चैन, ठीक है। रेस्ट ऑफ बेस चैन डेड ग्रुप आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड सब्सिक्वेंट, तो बेस चैन के अलावा यही है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, सब्सिक्वेंट, और इसको भी क्या मानेंगे हम लोग, सब्सिक्वेंट। क्लियर? चलिए अब एक एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कहानी हो, CH3 यहाँ पे, इसमें आपको लॉन्गेस्ट चैन ढूंढना है, सब्सिट्यूएंट ढूंढना है और फिर काउंटिंग करना है। तो आप देखोगे कि 1, 2, 3 कहीं जाओ तो 3 ही मिला ना, तो यही तो आपका क्या कहलाएगा, बेस चैन। बेस चैन का अलावा तो यही बचाना, तो यह सब क्या कहलाया, सब्सिट्यूएंट। बोलो काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से सब्सिट्यूएंट क्या नज़दीक हो, तो आप देखोगे कि आपके पास सब्सिट्यूएंट इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे। जब सब्सिट्यूएंट का पोजीशन सेम होता है तो हम लोग कहीं से भी जा सकते हैं, दोनों तो सेम ही है, तो 1, 2 और 3 कोई दिक्कत। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो हम फिर बोला ये, अब हम लोग आगे बात करते हैं। रूल नंबर 3 तक हम डिस्कस कर लिए थे, रूल नंबर फोर की बात करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया था क्या कि इसका लॉन्गेस्ट चैन कैसे ढूंढेंगे, उसी लॉन्गेस्ट चैन को हम क्या मान रहे थे, अपना बेस चैन मान रहे थे। दूसरा हम लोग देख रहे थे कि रेस्ट ऑफ बेस चैन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्सिक्वेंट, जो बेस चैन के अलावा जो ग्रुप प्रेजेंट हो रहा था उसको हम क्या मान रहे थे, सब्सिक्वेंट। रूल नंबर 3 में हम डिस्कस किए थे कि काउंटिंग कैसे करते हैं, यानी कि नंबरिंग कैसे करते हैं, तो आपको बताया था कि काउंटिंग उस कार्बन से शुरू करते हैं, नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करते हैं जिधर से सब्सिक्वेंट क्या हो, नज़दीक हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4 में नाम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आपका मेन पॉइंट आया, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। तो सोचो कंपाउंड के नेम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। हम लोग इसमें केस फर्स्ट पढ़ेंगे, अलग अलग केस पढ़ेंगे हम लोग। केस फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फॉर वन सब्सिट्यूएंट।
देखो कई बार हम लोग क्या देख रहे थे हम लोग जब सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था तो उसमें देख रहे थे कि कहीं कहीं एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, कहीं कहीं दो सब्स्टिट्यूएंट था, कहीं कहीं तीन सब्स्टिट्यूएंट भी आएगा, कहीं कहीं दो आएगा दोनों अलग आएगा, तीन आएगा जिसमें दो सेम एक अलग आएगा, तो उस तरह का भी कंडीशन यहाँ पे आएगा। तो क्या होगी कहानी उसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं फॉर वन सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके लिए हमारे पास क्या कहानी है ध्यान रखिएगा। जब वन सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम लोग नेम कुछ ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन प्लस डैश, ठीक है, ये आपका डैश है ध्यान रखना, ऐसे डैश ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस डैश प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड इन लास्ट प्लस राइट द नेम ऑफ बेस चेन इन फॉर्म ऑफ एल्केन, इन फॉर्म ऑफ एल्केन। इसी कहानी को हमको फॉलो करते हुए नाम लिखना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद देंगे डैश, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम, और फिर राइट द नेम ऑफ बेस चेन इन फॉर्म ऑफ एल्केन। आइए देखते हैं हम लोग एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो CH2, CH3, ठीक है, और आगे जाओ CH2, CH3 और फिर CH3, इसका नाम लिखना होगा। रूल वही है, सारा रूल को आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। देखिए सबसे पहला रूल है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चैन, तो यही तो है आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चैन। अब ढूंढो इसी को हम क्या मानेंगे, बेस चैन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस बेस चैन के अलावा डेड यही ग्रुप प्रेजेंट है ना, इसको क्या मानेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट। बोलो, रूल मेथड बोलता है कि काउंटिंग उस कार्बन से शुरू करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नज़दीक हो। तो सोचो यहाँ से यदि हम शुरू करते हैं तो 1, 2, 3 तीन नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। तो अब देखो कि नियरेस्ट किधर से है, नज़दीक किधर से है, तो यहीं से नज़दीक है ना 1, 2, 3, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसकी नेम की बात है, नेम लिखने के लिए क्या फ्रंट है, देखो तो यही है ना पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कितने नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, कितने नंबर कार्बन से। तो आप देख रहे हो कि तीन नंबर से जुड़ा हुआ, तो लिखो 3, इधर लिखते हैं 3 प्लस डैश डैश प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो CH3 है ना, मतलब कि CH4 से एक हाइड्रो निकल चुका है, तो CH4 मीथेन, तो CH3 क्या हो गया, मिथाइल। तो 3 डैश मिथाइल, याद कीजिए पिछले लेक्चर हम लोग एल्काइल ग्रुप पढ़े थे, इसलिए 3 मिथाइल प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, वही हुआ 3 हो गया आपका पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस डैश और प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और प्लस राइट द नेम ऑफ बेस चैन इन फॉर्म ऑफ एल्केन। तो देखो तो बेस चैन में कार्बन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 कार्बन का एल्केन फॉर्म क्या होगा, बोले थे ना कि अल्क फॉर्म याद रखना है, ठीक है। तो अल्क फॉर्म में क्या डिस्कस किए थे, जब 6 कार्बन हो तो उसको हम क्या बोल लेते हैं, हेक्स, याद करो। 1 कार्बन को क्या बोले थे, मिथ, 2 कार्बन वाले को इथ, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट और 6 वाले को हेक्स। तो 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, अल्क फॉर्म एल्केन के फॉर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो 3 मिथाइल हेक्सेन, कोई दिक्कत,
चलिए अब देखो कुछ हमारे पास कई बार क्या होगा, ध्यान रखना है, मैं आप इस चीज़ को मेंशन कर दे रहे हैं। देखिए यदि सब्सिट्यूएंट में इफ इन सब्सिट्यूएंट यदि सब्सिट्यूएंट में हैलोजन ग्रुप आता है यानी कि Cl आता है, Cl आएगा तो उसको हम लिखेंगे सब्सिट्यूएंट में क्या, क्लोरो। ब्रोमीन आएगा तो क्या लिखेंगे सब्सिट्यूएंट में, इसका नाम ब्रोमो। आयोडीन आएगा तो क्या लिखेंगे, आयोडो। और फ्लोरीन आएगा तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो। यदि आपके पास NO2 आएगा सब्सिट्यूएंट में तो इसको हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो। ठीक है, यदि कोई ईथर आता है, ईथर ग्रुप यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे O R करके डैश, इसको हम पढ़ते हैं क्या, अल्कोक्सी पढ़ते हैं। जब हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे या फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि आपके पास O और CH3 दिखाई दे सब्सिट्यूएंट में, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, मिथॉक्सी। ठीक है, O C2 H5 इसको हम क्या पढ़ेंगे, इथॉक्सी। क्लियर, चलिए। तो अब CH3 आएगा तो क्या, मिथाइल। C2H5 लिख ही दो। यदि आपके पास CH3 आएगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे सब्सिट्यूएंट में, मिथाइल। C2H5 आएगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इथर। इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करें। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे ना, वन सब्सिट्यूएंट वाली बात, फॉर वन सब्सिट्यूएंट, यही वाला कहानी है। आपको ध्यान रखना है पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट प्लस डैश नेम ऑफ सब्सिट्यूएंट और इन लास्ट राइट द नेम ऑफ सब बेस्ट एंड इन फॉर्म ऑफ एलकेन। देखो वही काम करो, पहले रूल को ध्यान में रखना, रूल नंबर 1, 2, 3 करके हम लोग रूल को यदि आप मिस्टेक करते हो, रूल को थोड़ा सा इधर उधर ले जाते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको बेस चेन, तो यही है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, इसी को तो बेस चेन मानना है। देखिए तो रूल नंबर 2 बोलता है कि बेस चेन के अलावा जो बचा हुआ क्या कहलाएगा, सब्सिट्यूएंट, यही है ना। काउंटिंग उस कार्बन से शुरू करना है जहाँ से सब्सिट्यूएंट क्या नज़दीक। रूल नंबर 3 बोलता है तो 1, 2 और 3। अब इसकी नेम की बात करते हैं, इसमें सब्सिट्यूएंट एक ही है, केस नंबर 1 वाला ही कहानी है। देखो तो पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 प्लस डैश तो डैश। NO2 का नेम नाइट्रो तो 2 नाइट्रो। बेस में कितना कार्बन, 3 कार्बन का एल्केन फॉर्म प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखोगे, रूल नंबर 1 बेस चेन हो गया, रूल नंबर 2 सब्सिट्यूएंट हो गया, रूल नंबर 3 1, 2, 3, 4 नंबरिंग हो गया। अरे सब्सिट्यूएंट इधर से ही तो नज़दीक है ना, यही तो सब्सिट्यूएंट है आपका। ठीक है, रूल नंबर 4 राइट द नेम किस फर्स्ट फॉर वन सब्सिट्यूएंट, तो देखो तो एक ही सब्सिट्यूएंट है ना, तो इसके लिए क्या कहानी है, पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 डैश प्लस नेम ऑफ सब्सिट्यूएंट, तो OCH3 देखो तो कहीं है, मिथॉक्सी, तो इसका नेम हो गया क्या, मिथॉक्सी, नेम ऑफ सब्सिट्यूएंट हो गया। प्लस राइट द नेम ऑफ बेस चेन इन फॉर्म ऑफ एल्केन, तो बेस चेन में कितना कार्बन, 4, तो 4 के लिए क्या हो गया, एल्केन फॉर्म ब्यूटेन। बहुत पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2-3 लेक्चर पहले, ध्यान रखना इस चीज़ को कि एल्केन फॉर्म क्या होता है, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन। चलिए सेम कहानी, यहाँ अभी लॉन्गेस्ट चेन यही है, इसी को हम क्या मानेंगे, बेस चेन। क्लियर, इसके अलावा रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप पर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्सिट्यूएंट, यही है। देखो काउंटिंग उस कार्बन से शुरू करनी है जहाँ से सब्सिट्यूएंट क्या हो नज़दीक हो, रोल नंबर 3 नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन, फ्रॉम वेयर सब्सिट्यूएंट आर नियरेस्ट। देखो तो यहाँ से यदि आप काउंटिंग करते हो
तो यहाँ से आपके पास 1, 2, 3, यहाँ से चलते हो तो 1, 2, 3 और 4, तो नियरेस्ट इधर से ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब आइए रोल नंबर 4, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वन सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, हालांकि केस फर्स्ट है वन सब्स्टिट्यूएंट। हम लोग अगला केस पढ़ेंगे फॉर टू सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे कि बोथ आर सेम एंड बोथ आर डिफरेंट, ध्यान रखना चीज को। अब देखो थ्री पे है तो थ्री हो गया पोजिशन इसका, प्लस डैश तो डैश हो गया। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बी आर है तो बी आर का नाम क्या होता है, ब्रोमो, तो थ्री ब्रोमो, क्लियर। प्लस राइट द नेम ऑफ बेस चैन इन फॉर्म ऑफ एल्केन, तो बेस चैन में कितना कार्बन है, सिक्स, तो सिक्स कार्बन का एल्केन फॉर्म हेक्सेन, तो इसका नाम क्या हो गया, थ्री ब्रोमो हेक्सेन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मेंशन है, देखो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चैन ढूंढना, इसी को हम क्या मानेंगे, बेस चैन। देखो ना 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। रोल नंबर 2, रिस्ट ऑफ बेस चैन एट ग्रुप ऑफ प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, यही है ना। रोल नंबर 3, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट एंड नियरेस्ट, किधर से नियरेस्ट है, इधर से 1, 2, इधर से 1, 2, 3, इधर से चले, चलिए इधर से नज़दीक इधर से ही है ना जी, 1, 2, इधर से 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 और इधर से ही चलेंगे हम लोग, क्लियर। और अच्छा दिखा भी सकते हो ऐसे कि तीर का चिन्ह ऐसे दिखा सकते हो कि हम ऐसे चलें, यहाँ भी ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो, अब हम बात कर लेते हैं नेम की। देखो तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो मतलब कि फर्स्ट वाला कहानी, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, टू नंबर कार्बन से, तो टू डैश। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट NO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रो। प्लस राइट द नेम ऑफ बेस चैन इन फॉर्म ऑफ एल्केन, देखिए तो बेस चैन में कितना कार्बन है, फोर कार्बन का एल्केन फॉर्म ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो गया, टू नाइट्रो ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके पास सबसे वही कौन है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चैन, क्लियर। फिर इसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चैन को क्या मानेंगे हम लोग, बेस चैन। रोल नंबर 2 बोलता है कि रिस्ट ऑफ बेस चैन डेड ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, तो बेस चैन के अलावा यही ग्रुप बना बचा ना, तो इसी को हम क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। इसी को क्या मानते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट। रोल नंबर 3 बोलता है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट एंड नियरेस्ट, इधर से सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे, इधर से 1, 2, 3, 4, इधर से 4 नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे, नज़दीक इधर से, अफसोस इधर से ही है, 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, केस फर्स्ट फॉर वन सब्स्टिट्यूएंट क्या है या नहीं है, बिल्कुल है, बस लगा दो रूल, केस फर्स्ट वाला पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2, प्लस डैश तो डैश 2, प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो OC2H5, देखो तो इथर वाला कहानी है इथॉक्सी, तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, इथॉक्सी, क्लियर। अब देखिए अंत में कहते हैं प्लस राइट द नेम ऑफ बेस चैन इन फॉर्म ऑफ एल्केन, चलिए तो अब कितना कार्बन होगा बेस चैन में, देखो तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5 है ना, तो बेस चैन में 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का एल्केन फॉर्म क्या हो गया, पेंटेन, तो इसका नाम क्या हो गया, 2-ethoxypentane। चलिए तो ये हो गया आपका केस फर्स्ट की कहानी कि फॉर वन सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, फॉर वन सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नेम कैसे लिखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने आएंगे उस जो जितना सारा रूल हम लोग बैक में लिखे हैं उसी रूल को फॉलो करते हुए केस टू पढ़ेंगे, और केस टू में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर टू सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, फिर जहाँ दिक्कत हो फिर कमेंट कीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।